हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल भोग। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हैप्पी जन्माष्टमी लिखिएगा। तो जन्माष्टमी में स्पेशली इस तरह का भोग तैयार किया जाता है क्योंकि कृष्ण जी को यह भोग बहुत प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। तो कान्हा जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी खड़ा धनिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बना रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो इसे हमें भूनने के लिए गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। बस इसको हल्का सा क्रिस्प करना होगा धनिया को, ताकि पीसने में आसानी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और आप देख सकते हो धनिया में हल्की सी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब कि हमारा धनिया जो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से भूनने से जो प्रसाद का टेस्ट है ये बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए यहाँ पे भून चुका है। तो चलिए यहाँ पे धनिया जो है ठंडा हो चुका है, मैं इसको ग्राइंड करके लाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया है और इसको मैंने छान भी लिया है। तो प्रसाद के लिए धनिया को छानिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो छिलका है ना मोटा वाला, ये अलग हो जाएगा तो प्रसाद अच्छी लगेगी। तो चलिए यहाँ पे हम घी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। चलिए यहाँ पे घी जो है हल्का सा मेल्ट होने लगा है। घी के मेल्ट होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे बादाम। तो बादाम मैंने यहाँ पे 8 से 10 लिया है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इस तरह से कट करके रोस्ट करने से टेस्ट जो है प्रसाद में बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और जन्माष्टमी में जो पंजीरी बनाई जाती है इसी तरह से बनाई जाती है। और अगर इसमें जो भी मिस्टेक होती है फ्रेंड्स मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे बादाम हल्की सी रोस्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे काजू डाल दिया है 6 से 7, जिसको मैंने बारीक पीसों में कट कर लिया है। और काजू बादाम को इस तरह से रोस्ट करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है ना प्रसाद में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ 12 से 15। आप जैसा ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं कम ज़्यादा, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालना है। तो जन्माष्टमी के दिन इसी तरह की पंजीरी बनाकर और पंचामृत बनाकर भोग लगाया जाता है, जो कि कान्हा जी का बहुत ही प्रिय भोग है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट है ना, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़े से मखाने रखे हैं, इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से रोस्ट करने से क्या है ना कि जो मखाने हल्के से क्रिस्प हो जाते हैं, तो ये तोड़ने में दिक्कत नहीं होती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो चलिए यहाँ पे मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और इसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है। आधा कटोरी मतलब हमारे पास धनिया पाउडर है, तो इसे भूनने के लिए 2 टेबल स्पून घी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, करीब हम 10 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए भूनेंगे। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास सूखा नारियल रखा है तो उसको ग्रेट करके डाल लीजिएगा और उसको भी हल्का सा भून लीजिए साथ में। तो इससे क्या होगा कि नारियल भून जाएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो दोनों को मिला करके कम से कम हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो धनिया है और जो कोकोनट है, ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैंने जो मखाने रोस्ट किया था, इसको हम हल्का सा इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसों में कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रसाद में अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं चीनी ऐड करूँगी, तो चीनी मैंने यहाँ पे आधा कटोरी लिया है। तो मैंने यहाँ पे बूरा शक्कर लिया है फ्रेंड, आप चाहे तो जो पीसी हुई चीनी है उसको भी ले सकते हैं या फिर खड़ी चीनी भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बूरा शक्कर डाला है। इससे जो प्रसाद है ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैंने डाल दिया है और जो मखाने रखे हैं इनको भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी सामग्री डाल दी है। पंजीरी को देखते से ही आपको लग रहा होगा ना कि कितनी टेस्टी बनी है। सच मानिए फ्रेंड्स, ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी ही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा जन्माष्टमी के दिन, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे तुलसी के पत्ते डाल देंगे 4 से 5, इस तरह से छोटे छोटे पीसों में टुकड़े कर करके डाल देंगे। तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और प्रसाद में तो वैसे ही तुलसी के पत्ते डाले ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी धनिया की पंजीरी बनके तैयार है। चलिए इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और हल्का सा इसको तुलसी के पत्ते से ऊपर से डेकोरेट कर देंगे, ताकि इसका लुक जो है ना बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए हमारा भोग बनके तैयार है।
तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट भोग तैयार करते हैं हमारे बाल गोपाल कृष्ण जी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे दही। तो दही यहाँ पे मैंने एक बड़े चम्मच लिया है और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध की क्वांटिटी आधा कप लिया है मैंने यहाँ पे, तो आधा कप मैं यहाँ पे पूरा डालूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है और थोड़ा सा डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे, क्योंकि पंचामृत बना रहे हैं तो यहाँ पे 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट लिया है मैंने यहाँ पर। तो काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता लिया है, मखाने लिया है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5ों ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ डाल देंगे। तो पंचामृत बनाने के लिए तुलसी की पत्ती इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये तो आप सभी को ही पता है। और ये जो प्रसाद है हमेशा ही पूजा में यूज़ किया जाता है पंचामृत। ऊपर से यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो जो फ्रेश चीनी है उसको डाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारा पंचामृत तैयार है। और इसमें जो भी मुझसे गलती हुई होंगी फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कैसा पंचामृत बनाते हैं वो भी आप मुझे बताइए। और अगर आप जन्माष्टमी में मिठाई बनाना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले ही पाक की रेसिपी डाली हुई है, ड्राई फ्रूट पाक की, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनी है, तो उसे भी आप इस जन्माष्टमी के पर्व पर ज़रूर शामिल कीजिए। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।